मानने का नाम ईमान है, अल्लाह की मानने का नाम इखलास है। मोहम्मद उसके पास इस्लाम है, ईमान है, लेकिन रसूल अल्लाह की मानने का नाम इरफान है। इमाम हुसैन को मानने का नाम ईमान है, इमाम हुसैन की मानने का नाम। अब ये पहचानने के बाद मानने का नाम है, इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ जानने को इरफान नहीं कह सकते। अब क्या है मामला पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में 26,000 साल पुरानी जो मालूम कायनात है, जिसमें फलसफा हमारे सामने आया, अदर बाया शुरू से लेकर आखिर तक जितने फलसफी आज तक भी पहुंचे, 20वीं सदी के जो सबसे बड़े फलासफर गुजरे, उसमें जहाँ पर सार्त्र है, दरीदा है, जूंग है, यांग है, और टैगोर है, और उसके बाद में जो एक बड़ा फलासफर गुजरा है रविंद्र टैगोर, सब ने जो बात कही है डेकार्ट के जुमले को मैं आपके सामने, हालांकि मुगर पे पसंद नहीं करता, लेकिन वो जुमला कहता रहा कि जाओ जाओ आई कैन नॉट जाओ जाओ, मुझे शक है, मुझे शक है, अगर मुझे शक नहीं है तो शक में शक नहीं है। यानी इंसान शुरू भी होता है शक से, आखिर भी होता है शक में, टू डू नॉट टू डू, करूँ ना करूँ, लिखूँ ना लिखूँ, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, आऊँ ना जाऊँ न जाऊँ, बैठूँ न बैठूँ, खाऊँ न खाऊँ, पीऊँ न पीऊँ, सोऊँ न सोऊँ, जागूँ न जागूँ, इसी का नाम है। ठीक है, मारिफत किसे कहते हैं? रफीक भाई का हुक्म हुआ कि परसों आपको मजलिस पढ़ दी है, बचपन से मैंने बात नहीं करनी, मैंने पढ़ दी है, मैंने एक मजलिस अपने क्लोज की थी और उसको एडजस्ट किया और आप यहाँ आ गया। अगर मैं 10 बार सोच के एक चीज को कहूँ तो ये मारिफत नहीं है। अच्छा देखिए, अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, दुनिया का हर फिलासफर कहता है करूँ ना करूँ, सोचूं ना सोचूं, मानूं ना मानूं, तस्लीम करूँ ना तस्लीम करूँ, ये डाउट है, इसी का नाम फलसफा है, शक का नाम फलसफा है। दुनिया में इकलौता फलसफों का इमाम है जो कहता है लाओ कुछ पल गदा लमस्तत यकीना, अगर सारे पर्दे आसमान के हट जाए तभी मेरे यकीन पे जरा जिसने भी उसकी जात और सफात को अलग करना चाहा, जिसने उसकी जबान अलग है, सब
बात अलग है, मैं मजलिस पढ़ूंगा तब खतीब कहलाऊंगा, आप शेर कहेंगे तब शायर कहलाएंगे। अल्लाह एक लकड़ी के लिए भी अपने सिफात से खाली नहीं है, यानी वो ऐसा खालिक नहीं है जो खल्क करने का मोहताज हो, ऐसा खालिक नहीं है जो रिज़्क़ देने का मोहताज हो, ऐसा रब नहीं है जो हयात का मोहताज हो, ऐसा राज़िक नहीं है जो रिज़्क़ देने का मोहताज हो, यानी वो हर हाल में जो सिफत है वही ज़ात है, जो ज़ात है वही सिफत है, जो ऐन है वही ऐन ज़ात है, जो ऐन ज़ात है वही दलालत ज़ात है, ये उसकी ज़ात है, ये उसकी हस्ती है। मौला फरमाते हैं ऐसा अव्वल के उसका अव्वल नहीं, ऐसा ज़ाहिर के उसका ज़ाहिर नहीं, ऐसा बातिन के उसका बातिन नहीं, ऐसा पास के उसका पास नहीं, ऐसा दूर के ऐसा दूर नहीं। अब अरबी का एक बड़ा जुमला था सरकार, का तर्जुमा कर लेने आऊं इसलिए फौरन के साथ जुमला कह रहा हूं, और इसी जुमले में आपका भी इम्तिहान है, मेरा भी इम्तिहान है। ऐसा अव्वल के अव्वल नहीं, ऐसा आखिर के आखिर नहीं, ऐसा है जो हुआ है। जो होगा वो हुआ कहलाएगा। मौला कायनाती लफ्ज कहा है, काना कायनुन, वो ऐसा है कि जो होने का मोहताज नहीं है, ये अल्लाह की जात है। अच्छा आप देखिए, अल्लाह को पहले समझने की बात जब कर रहा हूँ ये मुश्किल हो जाएगी। मैं समझ गया, पहले जुमले से मैंने समझा, सब्जेक्ट बदल दिया। आपकी समातें भी मुकम्मल नहीं है, बिखरी बिखरी समातों में नहजुल बलागा पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन महमूदाबाद में आज अजीबोगरीब जुमला हो गया है, तब यहाँ से आगे पढ़ रहा हूँ। आइए हम आपको सूफियों के हवाले से जो कह रहे हैं कि हमने अल्लाह को पहचाना, उठते बैठते हप 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 अली 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 मारिफत की बात करते हैं। अरे भाई, लोगों ने उनको पहचानने के लिए अली को छोड़ दिया। आप सोचिए, अजीबोगरीब बात है, वो जिनको सारे सूफा कहते हैं, जो अहले बैत के बर्तन में थोड़ी सी जबान को रख के, थोड़ा सा लुआबे दहन रख के, वो जो उनका छुटा हुआ खाके कहते हैं, हमारा हाफिजा इतना हो गया, हमारी जहानत इतनी हो गई, हमारी हदीसों की तादाद कई हजार को आ गई, हमारे इतने ज्यादा हो गए। बहुत सारे सफा मौजूद हैं, मौलाए कायनात बैत शरफ से यदुल्लाह बदुल्लाह अजुल्लाह लसानुल्लाह नफसुल्लाह अपने इत्मीनान के साथ निकल रहा है, लोग कदमों पर गिरे जा रहे हैं। मौलाए कायनात ने माना फिर तबस्सुम के साथ उनको देखा, और उसके बाद में पूछा कैसी गुजर रही है। उन्होंने कहा ईजा वजदना अगर हमें कुछ मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, और नहीं मिलता है तो सब्र करते अल्लाह अल्लाह करते हैं। मौला कायनात मुस्कुराए और जो माना फिर तबस्सुम था भारत में तब्दील हुआ। सलमान फारसी के पास बैठे हुए लोगों ने पूछा, ये अली को चेहरे पर एक हर कैफियत क्यों पैदा हुई। कहा अली को ऐसा संजा पतन नापसंद है कि जो मिल जाने पर मुकद्दर पे हो जाए, उसके बाद एक सजदा करोगे तो वो अली को पसंद है। क्या बात हमने कह दी, इज़ा फ़क़दना सबरना वइज़ा वजदना शकरना, अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो सब्र कर लेते हैं, कुछ मिल जाता है तो शुक्र करते हैं। मौलाए कायनात का ये जुमला अली सलमान फारसी समझा रहे थे, यानी जो सूफिया इकराम जिनको कहते हैं, वो दौड़े हुए आए, अपना मामा अली के कदमों में रखा, या अली हमारी तो आपने पूछ ली, अपनी बताइए क्या करते हैं। खालिद ने बिन बलागा ने बलागत की मारिफत के साथ एक जुमला कहा, इजा इजा फकदना शकरना व इजा वजदना नफकना, जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम शुक्र करते हैं, मिल जाता है तो फकीरों में क्या कहना।